जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो अपनी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसका अगला पार्ट है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगर आप भी MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है फ्री प्लान। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अनअकैडमी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए इस सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है। तो देखिए क्या है आपके फ्री प्लान में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 500 प्लस लाइव क्लास है पर वीकली, और यहाँ पर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है। MP के टॉप एजुकेटर, 50 टॉप एजुकेटर हैं, जिनके माध्यम से आपको यहाँ पर डेली एंड वीकली लाइव मॉक टेस्ट होती है, और उससे मॉक टेस्ट का आपका यहाँ पर एनालाइज भी बताया जाता है। और यहाँ पर MPPSC प्री, MP पुलिस और MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी, और यहाँ पर आपका जो है चार परीक्षाओं की तैयारी, बहुत ही व्यापम संबंध किसी परीक्षा हो उन सभी की तैयारी यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए करवा रही है। और यहाँ पर फ्री लाइव कोच है 20,000 प्लस, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर एक आपकी T20 सीरीज होती है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं। मंडे से सैटरडे 8 PM पर आपकी जो है सीरीज होती है T20 सीरीज, जिसमें आपका एनालिसिस भी बताया जाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभम जी हैं, पवन जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं, जिनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। जो 8 साल से यहाँ पर पवन जी हैं, और 5 साल से अभिषेक जी हैं, 6 साल से शुभम गुप्ता जी आप जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका सही आंसर है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, या इसके आविष्कारक कौन है चेचक के टीके के। तो आपका सही आंसर है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आपका सही आंसर होगा। यह अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, वेना आपका यहाँ पर सही आंसर है, वेना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 35 वर्ष। जी हाँ, 35 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो यह किसने कहा था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह कहा था किसने, अरस्तु, अरस्तु आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था यह बताना है। तो आपका सही आंसर है बोधगया, बोधगया आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी जो थे इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 1674 ईस्वी में आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो भारत में द्वैत शासन प्रणाली है जो किस वर्ष से शुरू की गई थी, तो 1919 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन शब्द का संपादक था। तो कौन थे वह संपादक जिन्होंने यंग इंडिया हरिजन शब्द का संपादन किया है, वह थे महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी जो है वह है शुतुरमुर्ग। जी हाँ, शुतुरमुर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्या है कि रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध परियोजना जो है इससे किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मार्शल कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बताना है, तो इसका मुख्यालय है हासन, कर्नाटक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी जो सिंचाई नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर देख लें, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके लिए खनिज बताना है, तो थोरियम आपका यहाँ पर सही आंसर है। थोरियम आपका राइट आंसर, थोरियम खनिज पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो वह पादप बताना है, तो वह पादप है कौन सा है? आंवला। आंवला आपका यहाँ पर सही आंसर है, इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव हृदय का पीएच मान कितना है? तो मानव हृदय का यहाँ पर पीएच मान पूछा गया है, तो 7.4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतः स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतः स्त्रावी जो ग्रंथि है वह O2 यानी कि थायराइड आपका यहाँ पर सही आंसर है, थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल। व्हेल आपका यहाँ पर सही आंसर है, व्हेल जो है यह एक जो है मछली है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? प्रसिद्ध नारा है कौन सा है? गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह 1969 से 74 के बीच यह योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, और इसी में यह नारा दिया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचन्न बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रचन्न बेरोजगारी बताना है, प्रचन्न बेरोजगारी तो यह किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि आपका यहाँ पर सही आंसर है, कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई और दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार हुआ? तो यह व्यापार बताना है, यह कौन सा व्यापार है? अगर कोई वस्तु कहाँ पर बनी? सूरत में बनी, और उसको दिल्ली मुंबई में बेचा जाए तो यह कौन सा व्यापार कहलाएगा? आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार आपके यहाँ पर सही आंसर है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वस्तुएं दुर्लभ हैं और उनकी आपूर्ति सीमित है तो उनको कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं आपका सही आंसर है। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो होम रूल जो लीग थी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको चालू किया था, यानी कि शुरू किया था। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कांची आपका यहाँ पर सही आंसर है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? तो जो बंगाल प्रांत था इसको दो भागों में बांटा था, तो किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपका सही आंसर है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, फॉसिज्म किस में विश्वास रखता है? तो किस में विश्वास रखता है यह? तो यह विश्वास रखता है बल में। बल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इस अंतर को बताना है, इस अंतर को क्या कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा इस अंतर को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी के जो पुस्तक है इसकी रचयिता बताना है, तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो सरकारी एजेंसी है, कौन सी है वह सरकारी एजेंसी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका सही आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में बताना है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। 3.5% आपका राइट आंसर है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? अहिंसा का चरम स्वरूप जो है किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो यह पालन किया जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कानून किसकी देन है और वह कौन थी? तो आपका सही आंसर है मनु। मनु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो जो मुगल काल में न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था यह बताना है, तो आपका सही आंसर है पर्शियन। पर्शियन जो भाषा है इसका प्रयोग किया जाता था। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो वह स्थान बताना है जहां पर इन्होंने सबसे पहले अपना स्थान जो है अधिकार जमाया था। तो कहां पर जमाया था? आपका सही आंसर है क्या है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया, तो क्या है इसका सही आंसर? यंग इंडिया। यंग इंडिया आपका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था यंग इंडिया। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? ज्योति बसु। ज्योति बसु आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो जिप्सियों का मूल निवास स्थान मिस्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरी खान बताना है, तो यह आपका सही आंसर है कोलार। कोलार आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जो कोलार की खान है यह सबसे गहरी खान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ पाए जाने वाला है वह है कौन सा? कोयला। कोयला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 760 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वी द पीपल नामक पुस्तक जो किताब है यह किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध है किताब है और इसके लेखक बताना है, तो इसका जो सही आंसर है कि बी द पीपल, यहाँ पर पीपल है नामक जो पुस्तक है या किताब है यह किसने लिखा है? नाना पालकी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मिस कैंपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो कनाडा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं यह बताना, तो स्पैम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देख लें, अगला क्वेश्चन, प्रोजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन
प्रयोग किया जाता है, तो वह एप्लीकेशन बताना है जिसको प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है युआन कहाँ की मुद्रा है, युआन बताना है युआन कहाँ की मुद्रा है, तो आपका सही आंसर है चीन, चीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, चीन की मुद्रा है। और अगला क्वेश्चन है क्या है, सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं, तो आपका सही आंसर है 10 वर्ष, 10 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। सेबी किस तरह की संस्था है यह बताना है, जो सेबी है यह किस तरह की संस्था है, तो आपका सही आंसर है संविधिक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देखिए रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है, तो अक्टूबर से मार्च आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो भारत में जो जनगणना होती है वह 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए, तो आपका सही आंसर है 25 पैसे, 25 पैसे आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी, तो इस कॉमिक श्रृंखला की रचना जो की थी वह किसने की थी, अमर चित्र कथा आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अक्ष कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और इसका सही आंसर है बॉक्साइट, बॉक्साइट आपका यहां पर राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 940 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 940। और आज ही अन अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपकी जो है लूसेंट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके लिए शुभम गुप्ता जी हैं और पवन चौधरी जी के द्वारा आपके यहाँ पर जो है लूसेंट सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपका जो है MPPSC T20 सीरीज है, जी हाँ MPPSC T20 सीरीज, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में आपके क्वेश्चन होते हैं, पेपर का एनालिसिस भी बताया जाता है, और MP के टॉप एजुकेटर होते हैं इसमें, और आपकी 8:30 बजे रात 8:30 बजे आपकी T20 सीरीज होती है। यहाँ पर आपके जो है मॉक टेस्ट, प्री मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको डेली T20 प्री टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पर आपकी जो है MPPSC प्री और MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल और MP सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर परीक्षा की जो तैयारी करवाई जा रही है, और पेपर एनालिसिस भी बताया जाता है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको यहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करके यहाँ पर MPPSC सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो है अनलॉक सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सुमित जैन कोड आपके लिए दिख रहा होगा, सुमित जैन कोड यूज करें बिना स्पीच दिए, तो तभी आपकी जो है सीरीज अनलॉक हो जाएगी, और आप जो है जो फ्री क्लास है लाइव क्लास है इसका आप फायदा ले सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, यह अपनी जो है 1000 प्रश्नों की सीरीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।